यूसुफ भाई, आप पे एक तनकीद हो रही है कि आप पाकिस्तानी टीम के साथ एसोसिएटेड हैं, इससे पहले एनसीए में भी आप थे। कुछ बैट्समैन जो आउट ऑफ फॉर्म हो, अब असद शफीक के आप सबसे बड़े वकील थे, हारिस सुहेल आपको एक जमाने में पसंद थे, उमर अकमल का टैलेंट हम सब लोग जानते हैं, अहमद शहजाद, इन लोगों को क्या ये सारा कुछ मोहम्मद वसीम के हाथ में आ चुका है कि किन प्लेयर्स को बुलाना है, या जो हमारे आप जैसे स्टार क्रिकेटर्स हैं उनको भी पीसीबी ने थोड़ा सा रिलीफ दिया हुआ है कि अगर वो भी प्लेयर्स को कैंप में बुलाना चाहें तो इस तरह कंडीशन कैंप में बुला सकते हैं, या आप लोगों को मना है बुलाना? ये टफ क्वेश्चन है आपका, ठीक कह रहे हैं आपके जितने भी आपने नाम लिए, मैं सब में बात करता था, असद शफीक की भी, हर से और अहमद शहजाद, और ये जरा मेरे से बहुत पहले बाहर हो गए थे टीम से, उमर अकमल और अहमद शहजाद। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास में देखें तो मेरे ख्याल से शफीक की वैसे परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही जैसे कि होनी चाहिए। जब आपने कम बैक करना होता है तो आपने इतनी अच्छी क्रिकेट खेलनी होती है कि जो ऑलरेडी टीम में होते हैं उनसे बहुत ऊपर आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, और मैं अभी भी इस चीज़ के उसमें हूँ कि उसके पास सारी चीज़ें हैं, मौजूद हैं। लेकिन अगर एक जगह परफॉर्म नहीं कर पा रहा अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो ये वाली चीज़ें देखनी होती हैं सिलेक्टर्स ने, कोच ने और कैप्टन ने, ये मेरी डोमेन में नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो मैं ये कहूँगा अगर वो परफॉर्म करता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 400-500 लगाता है, वापस आने के लिए आपको बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है। जब आप एक दफा बाहर होते हैं दोबारा अंदर आने के लिए डिफरेंस पैदा करना पड़ता है जिसकी रिप्लेस पे आपने आना, तो मेरा ख्याल है कि उसको और अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। यूसुफ भाई, आपने बाबर आजमी के साथ भी काम किया, आप कितना उसमें देखी नजर आई, और क्या ऐसी चीजें बाकी गेम पर फोकस होना पड़ेगा? अरे देखिए, बाबर आजम क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और जिस तरह वो अपनी बैटिंग करता है जो पैशन से और फोकस और डिसिप्लिन होके, मेरा ख्याल है कि वो डे बाय डे बेहतर ही नजर आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बता रही, खुद बोल रही है कि वो आगे की तरफ जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो चल रहा है इसमें कोई शक नहीं कि वो तीनों क्वार्टर नंबर वन होगा। नजीर जी, सर भाई, शान मसूद की बात की जाए तो काउंटिंग सीजन में बड़े अच्छे वो फॉर्म में है, इन फॉर्म है, रन पे अंबार लगा दी है, तो आप उसको इस सीरीज के लिए कंसीडर कर रहे हैं? हम कंसीडर करेंगे उनका नाम रेफर करेंगे आप? देखिए, जिस तरह वो खेल रहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि काउंटी क्रिकेट में शायद ही किसी एशियन प्लेयर ने दो बार डबल सेंचुरी कर दी हो, या थोड़े मैचों में 1000 रन के करीब पहुंच जाए, मेरे पास पहला प्लेयर होगा जिसने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है ये मेरा ख्याल है कि सिलेक्टर्स भी देख रहे हैं, कोच भी, कैप्टन भी, तो आई एम श्योर कि वो जरूर उसको कंसिडर करेंगे, और ऑलरेडी वो टेस्ट टीम में है। वनडे के लिए आप रेफर करेंगे नाम? अब वनडे के लिए अगर देखें स्लॉट देखना पड़ता है, अगर जरूर होगा क्योंकि वो ओपनर या नंबर तीन का प्लेयर है, तो ओपनर आपके पास ऑलरेडी है, नंबर तीन बाबर है, तो ये सारी चीजें देख के, ये वैसे क्वेश्चन है तो सिलेक्टर के सामने रखने वाला। लास्ट क्वेश्चन अबू बकर और यूसुफ भी, वनडे क्रिकेट बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज होती जा रही है, देखा जाए चेंजिंग आई है तो वनडे क्रिकेट के अंदर आई है, मॉडर्न डे क्रिकेट को हमारे शायद टीम उस तरीके से अब्जॉर्ब नहीं कर पाई जिस तरह शायद इंग्लैंड खेल रही है या इंडिया खेल रही है, तो आप क्या प्लेयर्स को मैसेज देते हैं और क्या किस किस्म से उनकी जो है वो ट्यूनिंग कर रहे हैं आप? बात आप जो कर रहे हैं, अभी लास्ट जो वनडे सीरीज हुई है उसमें बैटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, और अगर देखा जाए तो बॉलर्स ने भी 200 के ऊपर आउट कर दिया है ऑस्ट्रेलियन टीम को। मॉडर्न ये नाम दे दिया लोगों ने, मॉडर्न क्रिकेट या जो भी आप कह रहे हैं, क्रिकेट ऑलमोस्ट बेसिक्स वही होती हैं, ये रूल्स जो चेंज हुए हैं ना उससे ये कि रन ज़्यादा बनते हैं। अगर आप देखें कि 15 ओवर, पहले 10 ओवर का एक पावर प्ले है, फिर 30 ओवर का पावर प्ले है, तो इसका मकसद है कि एक फील्डर अंदर है जिसकी वजह से ओवर में 6-7 रन बन सकते हैं। पहले ये नहीं होता था, पहले ओवर में 3-4 रन बनते थे, रिवर्स स्विंग हो रहा होता था और 2 नए बॉल लग गए, तो इससे इसको मॉडर्न क्रिकेट कहना है या कुछ और अल्फाज देने ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन ये है कि लड़के कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह दूसरी दुनिया के लोग खेल रहे हैं, वैसे तो हमें दूसरों को देखना नहीं चाहिए, लेकिन कोई लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई प्लेयर अच्छा, मैं जब खेलता था कोई अच्छा प्लेयर सामने खेल रहा था, मेरी कोशिश होती है अच्छी चीज़ सीख लें, तो लेकिन हमारे लड़के ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो आगे चीज़ें नज़र आएंगी कि हमारे लड़के भी 300-350 रन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, फवाद के देखें उसकी इस सीरीज़ के अलावा जो पिछले जितनी भी सीरीज़ उसने परफॉर्म की है, और वो ICC की टीम में भी नाम आया उसका,
एक आधी सीरीज या दो चार इनिंग्स किसी भी आ सकती है। पास्ट में हमने देखे जब हम लोग खेलते थे बहुत बड़े बड़े प्लेयरों पर भी ऐसी चीजें आ जाती थी। और देखा जाए तो जो लास्ट सीरीज इसमें ज्यादातर तो बैटिंग ऊपर से स्कोर अप हो गया, उससे पीछे का मुझे आइडिया नहीं कि मिडिल ऑर्डर में क्या हुआ। लेकिन जब रिसेंट सीरीज जो आप देखें तो उसमें वनडेज में हमने रिकॉर्ड चेस किया 350 और वो ऊपर से कर दिया बाबर ने, इमाम ने और बाकी चिपिन करते रहे लड़के। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ये बात ठीक है कि हमने हर जो भी नंबर्स हैं उस पर हम सब परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह टीम बेहतर से बेहतर खेलती है। तो कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी प्लेयर हैं बैट्समैन हैं जो बैटर हैं हम कोशिश करेंगे तो अच्छी इनिंग खेलें, चाहे वो ओपनर्स आ रहे हैं या मिडिल ऑर्डर हैं, इवन लेटर प्लेयर भी जो है वो भी बेहतर से बेहतर क्रिकेट खेलें। ये हमारी कोशिश है इस कैंप में कि हम बैट्समैनों को बैटर्स को और अच्छा जो है टाइम दें और अच्छे मौके दें और अच्छी प्रैक्टिस करवाएं ताकि वो आगे जो मैचेस आ रहे हैं उसमें बेहतर परफॉर्म करें। निशान भाई यू भाई एक तो सीरीज से टीम काफी जल्द हुई है, अच्छा परफॉर्म भी किया, मैच जीते भी हारे भी। अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज खेले जा रहे हैं काफी गर्मी भी होगी और नए लड़के भी सुना के ट्राई किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस समय? देखिए एज ए प्रोफेशनल तो हमें गर्मी सर्दी दोनों में खेलना है, लेकिन ठीक है इसमें कोई शक नहीं गर्मी है थोड़ी मुश्किल भी होगी, लेकिन चूंकि सारे प्रोफेशनल हैं लड़के फिटनेस पे बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि इस कैंप में सिर्फ ये नहीं कि बैटिंग बॉलिंग ही होनी, उनकी फिटनेस पे भी काम हो रहा है और ऑलरेडी वो अपने अपने मकाम पे भी फिटनेस पे काम कर रहे थे। अगर फिटनेस हमारी अच्छी होगी तो मेरा ख्याल है कि गर्मी सर्दी का इतना फर्क नहीं पड़ेगा और लड़के ऑलरेडी इस कैंप से भी बड़े एक्साइटेड हैं और आगे जो सीरीज आ रही है क्योंकि बड़ा लंबा सीजन है तो कोशिश सारे ये कर रहे हैं कि फिटनेस वाइज भी और स्किल वाइज जो हमारी बैटिंग या बैटर्स या बॉलर जो भी है फील्डिंग सारी हमारी इतनी अच्छी हो कि हम बेहतर से बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। बाकी लास्ट क्वेश्चन अंश जैसे भाई आप आदित्य के साथ काफी काम कर रहे हैं, अभी उन्होंने टूर्नामेंट भी खेला है, तो क्या समझते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अवेलेबल है? आप क्या आपने उनकी फॉर्म देखी है कि उस पर प्रॉब्लम हुआ था? देखिए ये उससे पहले तो मैंने उसके साथ बहुत काम किया है जब उसको प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद मैं पाकिस्तान टीम के साथ चला गया था 40-50 दिन मेडल लेके, जब वापस आए रमजान फिट हो गए तो अभी तक उसके साथ ऐसे काम ही नहीं हो सका। एक दिन मैंने नेट में देखा था उसको, उसके बाद ये जो टाइम लग गया इसकी तैयारियों में। मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो ट्रेनिंग कर रहा है मेहनत कर रहा है और बैटिंग में भी इंशाल्लाह वो वापस वैसे ही आएगा। थैंक यू जी, शुक्रिया।